मैं आपका मेज़बान अरशद अंसारी, आपका मौसम न्यूज़ टीम कैमरा आज पहुँचे हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस। यहाँ हमारे दरमियान में मौजूदा सदर फाद हुसैन शेख साहब, इनसे मालूम करेंगे मौजूदा कारोबारी सूरत हाल और इनके चैम्बर में अहदा संभालने के बाद क्या क्या चीज़ें ये नित नई लाते हैं जो ताजरों से बेहतर मफाद में होगी, और तिजारत के हवाले से इनका बड़ा नाम है हैदराबाद शहर में, और ये किस तरह फ़रोग देते हैं तिजारत और ताजरों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आज हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ़ लेकर आए। इसके बाद मैंने ये अहदा जो है वो 30 सितंबर को संभाला था, 1 अक्टूबर से मैं बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो सीट मैंने संभाली थी और चार्ज लिया था। उसके बाद से लेकर जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं कि हैदराबाद के ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए और बाकी जितने भी लोग हैं इनके लिए जो है वो बेहतर, इनके बच्चों के लिए मुस्तकबिल बेहतर कर सकें, रोज़गार के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों से रबते किए, इन लोगों की मीटिंग्स की, और मेरा ये मानना है कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो ताजरों को गवर्नमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो लिंक अप कर रहा होता है, उनकी मीटिंग्स लाइन अप कर रहा होता है ताकि ये डायरेक्टली अपने मसलों को जो है वो पेश करके उनके आगे हल कर सकें। इस सिलसिले में मैंने जो है एक इनिशिएटिव लिया था और मैंने हैदराबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों को ख़ुद पर्सनली विज़िट किया था ताकि मैं उनके मसाइल को जान सकूँ, समझ सकूँ और फिर उनके ऊपर हल किया जा सके। तो कोविड के भी मामला चल रहे हैं आप लोगों के सामने हैं कि कोविड जो है वो दोबारा हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इस सिलसिले में ताजरों को बड़ी परेशानियाँ हैं, बाज़ारों के टाइम कम हो गए। अपनी जानिब से कोशिश है कि अपने टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद के ताजरों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए आला से आला काम कर सकें। इस सिलसिले में जो है हमने सिर्फ इनके मसाइल गवर्नमेंट के इदारों से हल करने के अलावा कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा। हमने अगले हफ्ते का एक रेशम बाज़ार के अंदर प्लान किया हुआ है जिसके अंदर हम एक NGO के साथ जुड़कर जो है वो रेशम बाज़ार में आने वाले लोगों के लिए, ताजरों के अलावा लोगों के लिए भी जो है वो हमने वहाँ प्लान किया है कि हम फ्री वॉश बेसिन सर्विस लगाएंगे और सैनिटाइजिंग के यूनिट्स लगा रहे हैं ताकि वो अपने हाथ पैर वगैरह सैनिटाइज करके बाज़ारों में एंटर कर सकें। और अगले हफ्ते बाकायदा तौर पे हम इसका जो है वो आगाज़ करेंगे। फिर रेशम बाज़ार के अलावा कुछ और बाज़ारों में इस तरह के प्लान्स हैं कि इस तरह का काम करें, कोविड को भी मद्देनज़र रखें, कारोबार को भी मद्देनज़र रखें। दुकानों के सील होने के मामला आजकल बड़े चल रहे हैं तो कोशिश होती है कि ताजरों को समझाएँ, बताएँ, और अगर कोई इशूज़ हो भी जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है इनके मामला को हल करें। और एक लंबी जर्नी है, हैदराबाद के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हैदराबाद की सिर्फ ताजर बरादरी नहीं, हैदराबाद में रहने वाला मेरा ख्याल है हर शख्स परेशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, चाहे आप रोडें देख लें, एयरपोर्ट आज तक फाल नहीं हो सका, रेलवे ट्रैक अगर मामला थे तो रेलवे ट्रैक के बाहर के जो मामला हैं वो सामान पहुँचाना, लोगों का पहुँचना, उसके बड़े मामला हैं। तफरी के हवाले से कोई प्लान नहीं है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से मैंने प्लान किया है कि इस साल के अंदर कम से कम भी मैं 2 ट्रेड एक्सपो इस तरह की प्लान करूंगा जिससे हैदराबाद की आवाम को, बिलखसूस हैदराबाद की आवाम को जो है वो रिलीफ़ मिल सके, कुछ ऐसी तफरी मौसूल हो सके कि वो अपने मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर, परेशान ज़िंदगी के अंदर से थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली को दे सकें, रिलीफ़ कर सकें। इसके अलावा मैं तमाम हैदराबाद की ताजर बरादरी का जो है वो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की बेशुमार मोहब्बतें मिल रही हैं, जिसका मुँह बोलता सबूत मेरे लास्ट के कुछ इवेंट्स हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इवेंट किया तो 100% अटेंडेंस रही आप तमाम लोगों की। मुझे जो है, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा एजाज़ नहीं है, ये हैदराबाद का एजाज़ है, ये आप तमाम लोगों का एजाज़ है कि मैं पाकिस्तान में जब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बने और काम स्टार्ट हुआ उसमें यंगेस्ट प्रेसिडेंट हूँ आज तक 2020 तक। तो आप तमाम लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, इसी तरह साथ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाज़े तमाम ताजरों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, हम सेठ गौहर की जो उनका ये पूरा वो था ट्रैक था उसके ऊपर चल रहे हैं और उनके उनकी गाइडेंस होती है, उस गाइडेंस के ऊपर हम सिर्फ एक्शन ले रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी तरह आपको आने वाले वक्तों में भी हैदराबाद के ताजरों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम्स मिलेंगे। कमिश्नर अब्बास बलोच साहब की बहुत काविशें हैं इसके अंदर, DC साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे दोनों AC चाहे लतीफ़ाबाद के हों चाहे कासमाबाद के हों फिलफौर जो है वो एक्शन लेते हैं मामलात के ऊपर। अगर कहीं किसी जगह पर कोई क्लैश होता है, कोई इस तरह के मामले होते हैं कि जी दुकानें सील हो गई या कुछ और हो गया, तो देखें कहीं ना कहीं जो है वो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी होती हैं, कुछ मामला तो और भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे मामले को तो बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है ताजरों की जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, पुलिस अफसरान के साथ, जिसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। हैदराबाद के अंदर जो है वो अब इस तरह के जो क्राइम के मामला होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए क्योंकि एतमाद बहाल हो गया, पुलिस अफसरान के साथ ताजरों का, आम लोगों का एतमाद बड़ा बहाल हो गया, जिसकी वजह से नज़र आ रहा होता है कि क्राइम का रेशो वो नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ये मामला होते हैं कि किसी का इशू होता है तो वो डायरेक्टली जाके मिलता है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर मीटिंग्स होती हैं तो हम उनको मदू करते हैं और इशू रिजॉल्व किए जाते हैं। यहाँ हमारे दरमियान थे फाद हुसैन शेख साहब, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे, इनका कहना था कि जिस तरह ताजरों के बेहतर मफाद में पहले भी तरक्की और कामयाबी के लिए काम किए हैं हैदराबाद चैम्बर, मुझ समेत तमाम ताजिर इसके ख्वाहें और आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहेंगे। कैमरामैन आसिफ कुरैशी, कैमरा अरशद अंसारी, आपका मौसम न्यूज़ हैदराबाद।